और खबर कौशाम्बी से, जहां कौशाम्बी में इंटेलिजेंस व चरवा पुलिस की संयुक्त टीम ने रेलवे में नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवक को सब्ज बाग दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान साथियों ने बताया कि कौशाम्बी के अलावा गैर जनपद के दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाया था। साथी जालसाजों के पास से रेलवे की ग्रुप डी दो वैकेंसी फॉर्म भी मिला है। ये साथी रेलवे के अलावा शिक्षा विभाग की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। बेसिक शिक्षा विभाग प्रतापगढ़ के 3 नियुक्ति पद भी मिले हैं और साथ ही इनके कब्जे से एक मोहर PWD, एक मोहर उत्तर प्रदेश सरकार की बरामद हुई है, 3 सिम कार्ड, एक अपाचे बाइक भी बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में पिपरी थाने में लौकीपुर निवासी राहुल पटेल व चरवा थाने के औद्यारपुर का सतवत पटेल शामिल है। इन्हें चरवा बाबापुर गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी नौकरी के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से 5 लाख रुपए तक की वसूली करते थे। सूत्रों की माने तो रेलवे में इनकी गहरी पकड़ थी। वे लोग युवकों को रेलवे में फर्जी तरह से ट्रेनिंग भी कराते थे। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ लिखा पढ़ी कर जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि इन्हें गिरोह में शामिल अन्य छात्र गिरफ्तारियों के लिए दबिश दी जा रही है। थाना चरवा में एक मामला प्रकाश में आया था कि नौकरी के नाम पे कुछ लोग ठगी कर रहे हैं। इसमें मुकदमा पंजीकृत थाना चरवा में किया गया और इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने अन्य लोगों के भी नाम बताए हैं और जिसपे विवेचना की जा रही है। इनके पास से मोटरसाइकिल, फर्जी मुहर, फर्जी नियुक्ति पत्र और सिम कार्ड, ये सब बरामद हुआ है। और इन लोगों का जो तरीका यह था कि फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करते थे और कैंडिडेट्स को विश्वास में लेने के लिए उसका फर्जी मेडिकल करवाते थे, यहाँ तक कि उसको ट्रेनिंग भी कराते थे, रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनिंग भी कराते थे। और इसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं, अभी विवेचनात्मक कार्रवाई करके और भी लोगों का नाम प्रकाश में आता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब